नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज राजस्थान में हरियाली तीज की धूम मची हुई है। हर तरफ जो महिलाएं हैं वो खूबसूरत राजस्थानी परिधानों में सजी दजी नजर आ रही है। देखिए, सावन की हरियाली तीज में सबसे ज़्यादा जो पहना जाता है वो है लहरिया, और इसीलिए इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। और देखिए, एक ऐसे ही जगह मौजूद है जहाँ पर आप बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को देख सकते हैं जो कि लहरिए में गुलाबी सिटी में है तो गुलाबी कलर के लहरिए में सभी सजे धजे बैठे हुए हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा मैं सीधा आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर ये सभी लेडीज़ इकट्ठी हुई है हरियाली तीज मनाने के लिए। सुबह से यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, मस्ती चल रही है और खेल कूद चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का राजस्थान में एक अलग महत्व है। महिला इस दिन जो है व्रत वगैरह करती है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है, हम इन्हीं ब्यूटीफुल लेडीज से जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे मैम, आपसे जानना चाहूँगी हरियाली तीज मनाया क्यों जाता है। बेसिकली हरियाली तीज मनाने के पीछे सुहाग का एक चिन्ह होता है कि भगवान शिव ने पार्वती का जो मिलन का एक प्रतीक माना जाता है, और भगवान शिव ने पार्वती के लिए, पार्वती जी ने शिव से शादी करने के लिए इस त्यौहार को प्रतिमा माना था, और ये सुहाग का प्रतीक चिन्ह है। मेहंदी लगाई जाती है, लहरिया पहना जाता है और घरों में समस्त व्यंजन भी बनते हैं जिसमें खीर पूरी वगैरह बनती है और घेवर का स्वाद लिया जाता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी व्रत क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? द सेम दैट शी सेड, बिकॉज हमारे जो भगवान हैं अगर वो मान रहे हैं तो हमें तो मानना ही है। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशन, हमारे बड़ों ने हमें जो सिखाया है, जस्ट डूइंग दैट। या जी मैम, बताएं हरियाली तीज पर क्या कहें। हरियाली तीज जो है वो राजस्थान की महिलाओं का एक तरीके से दिल है, क्योंकि सभी के मन में उमंग रहती है, क्योंकि सुहाग की जहाँ बात होती है वहाँ लेडीज़ जो है वो कठिन से कठिन व्रत कर जाती है। तो यहाँ पर जो राजस्थानी महिला की बात जब आती है तो गणगौर तीज जो है वो वहाँ बहुत स्पेशल रहता है, और सावन की जो तीज है क्योंकि ये शिव जी और पार्वती जी से संबंधित है तो इसलिए सावन की तीज का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा मैम, ये करवा चौथ और हरियाली तीज के व्रत में क्या डिफरेंस है, उसमें भी पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है? उसमें भी पति की लंबी आयु के लिए कहा जाता है, लेकिन हम वहाँ पे चांद को देख के, अर्घ दे के व्रत खुलते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम चांद को देख के ही खुलते हैं और इसमें हम व्रत रखते हैं, और जनरली हम इसको घेवर खा के, और इवन हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो इस दिन घेवर का लगाते हैं। कहना चाहूँगी मैं इसको मनाने के प्रति जो रीज़न है वो मैं बताना चाहूँगी। माँ पार्वती ने 116 साल की लंबी तपस्या के बाद इस तीज के दिन ही इस महादेव जी को प्रसन्न किया था। महादेव जी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में इस दिन स्वीकार किया था, इसीलिए हम इस दिन को हरियाली तीज के रूप, क्योंकि वो सावन का महीना था, हर जगह हरियाली होती है, तो इसीलिए हम इस दिन को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। और उस दिन से इसको सुहाग का प्रतीक मानते हुए हर महिलाएं ये व्रत पार्वती के, अपने आप को पार्वती समझते हुए अपने शिव के लिए ये व्रत करती हैं। तो जैसा कि आपने सुना हरियाली तीज, यूँ तो भारत देश में कई तरह के त्यौहार है, रंगों से भरा हुआ भारत देश है, लेकिन राजस्थान में हरियाली तीज को लेकर जो लेडीज़ हैं उनमें अलग तरह की एक्साइटमेंट बनी रहती है, क्योंकि इसे भोलेनाथ और पार्वती माँ से जोड़ा गया है। माना जाता है कि जिस तरीके से उनका रिश्ता पवित्र था, ठीक उसी तरह हरियाली तीज पर व्रत करने से, सजने धजने से और श्रृंगार करने से, बिल्कुल माँ पार्वती की तरह करने से पति की आयु बढ़ती है, घर में खुशहाली रहती है, और इसीलिए ये हरियाली तीज का पर्व जो है मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती है, पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है और अपने परिवार की खुशहाली की कामना भी करती है। हरियाली तीज को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आपके यहाँ पर किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी राजस्थान।